गाइस शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। और आज मैं एक पुराने टॉपिक को उठा के दोबारा से आपके सामने लेके आया हूँ। यह है हमारा घर। जो लास्ट टाइम आपने मेरे प्लेलिस्ट में लास्ट वीडियो देखी थी, वो हमने छत के ऊपर एक चौबारा बनाया था। उसके बाद सब कुछ ऐसा का ऐसा ही था। उसके बाद मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो उसके बाद से आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उसके बाद क्या क्या काम हो चुका है आप देख सकते हो। ये गेट भी हमने लगवा दिए हैं और नीचे टाइल, ये किचन हो गया हमारा, ठीक है। और लाइटें भी मोस्टली नीचे ही सारी लग चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ सारे बोर्ड नए ये, अब देखिए। चलो मैं बैक कैमरे करता हूँ अपने गेट से, जो मेन एग्जिट का वहाँ से शुरुआत करता हूँ आपकी। आप देख सकते हो ये वॉशरूम है, तो यहाँ आप देख सकते हो टाइल ऊपर दीवारों तक लगा दिए, सीट भी रख दी है। और बाकी देखते हैं, नीचे भी टाइलें लगवा दिए, सीढ़ियों की सारी लिपाई लुपाई सब कुछ हो गया। दरवाजे खिड़की यहाँ के मेन गेट के अभी आ चुके हैं। उसके बाद आप किचन देख सकते हो, किचन यहाँ पे बर्तन मांजने के लिए, धोने के लिए। और उसके बाद ये आप देख सकते हो खाना खुना बनाने के लिए और सामान रखने के लिए सारा हो गया। नीचे ड्रॉर हो जाएंगे सामान रखने के लिए। उसके बाद एक कमरा हमारा यहाँ पर था, इसकी भी सारी लिपाई हो गई थी। और ये आप देख सकते हो लाइटें लगवाई है, लाइटें भी लगवा दिए। और उसके बाद यहाँ के नीचे टाइलें भी लगवा दिए, बस पेंट का काम बाकी रह गया। उसके बाद जो मेन रूम है उसमें चलते हैं, उसकी भी टाइलें लग चुकी। और ये स्टोर में हमने टाइलें लगवा दी, दीवारों के ऊपर भी, नीचे भी फर्श लगा दिया। और यहाँ पे एक अलमारी बनाई है, ये लाइट आप देख सकते हो, ये हमारा मंदिर रहेगा। उसके बाद ये आप देख सकते हो कपड़े कपड़े रखने के लिए हो जाएगा। तो अभी चलते हैं हम ऊपर। तो बाकी अभी क्या पेंडिंग पड़ा है हमारा काम, लास्ट टाइम तो सिर्फ आपने मैंने वीडियो डाली थी, वो ऊपर एक कमरे की डाली थी कि मतलब हमने चौबारा बनाया, हाथ सिलेंडर लगाया, उसके बाद डायरेक्ट आज डाल रहा हूँ। अब हमने फिर से काम शुरू किया हुआ है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, सेकंड जो हमारा जो सेकंड मंजिल है उसको कंप्लीट करेंगे। लास्ट टाइम आपने बस इस कमरे की देखी थी, इसका हमने हाथ सिलेंडर लगाया था। उसके बाद इसकी भी आप देख सकते हो, हमने टॉयलेट वाले सारा काम सेट कर रखा है, बोर्ड भी लग चुके, लाइटें भी। इसमें काम हमने कल किया है, ये जेड वाली सीढ़ियाँ बनाई है। एक तो प्लेन होती है बिल्कुल, एक जेड वाली होती है, तो ये सारी हमने कल बनाई है। कल आधे दिन में हमने इसको कंप्लीट कर दिया था। ये आप देख सकते हो, मैं ऊपर चढ़ के दिखा रहा हूँ, ये हमारा छज्जा हो जाएगा, ये बिल्कुल टॉप फ्लोर पर आ गया मैं। अब यहाँ से मुड़ के सेकेंड मंजिल की पैड़ी जाएगी और यहाँ पे सारा वो हो जाएगा लेंटर का, वो कल होएगा काम, कल मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारा हो जाएगा वॉशरूम का, ये चौक हो गया, रसोई यहीं आ जाएगी, दो कमरे वो हो गए, ये बाहर गैलरी है और बाहर का नज़ारा आसपास का। ये का काम मेरे पास ये है कि मेरे को ये सारी टंकी खाली करनी है इस ड्राम के अंदर, क्योंकि कल यहाँ पर बल्लियाँ खड़ी होगी सेटरिंग के लिए, तो ये टूट ना जाए, इसकी वजह से इसको खाली करके वहाँ ऊपर चौक पे रख देंगे पैड़ियों में। और बाकी थोड़ी बहुत इट्टे और ऊपर लगेगी, चिनाई का काम है, तो आज देखने आएगा, कल फिर इसकी सेटरिंग हो जाएगी, परसों सारा सामान ले आएंगे हम, करेसर बजरी जो भी है, उसके बाद लेंटर लग जाएगा। 2 से 3 दिन का प्रोसेस और अभी रहता है, फिर उसके बाद मैं आपको पूरे घर की कम्प्लीट वीडियो दूँगा, ठीक है। फाइनली चिनाई का काम सारा कंप्लीट हो चुका, कल ये लगाई थी जो कल रह गई थी थोड़ी सी, और बाकी ये लगाई थी। तो अभी काम है, यहाँ से पैड़ी ऊपर चढ़ेगी जो सेकंड मंजिल की है। तो अभी इसकी ये देखो आप, ये चीरे लगा के अब इसको ये निकालेंगे, यहाँ फिर मसाला बन भर के अब इसको बनाया जाएगा। 2-1 घंटे बाद यहाँ पे सेटरिंग वाले आ जाएंगे। हेलो गाइस, तो फाइनली सेटरिंग का सामान आ चुका है, आप देख सकते हो ये सारा अब छत के ऊपर चढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे सारा इनने उन्होंने बिछा दिया, कंप्लीट कर दिया, थोड़ा सा टुकड़ा रह गया आप देख सकते हो बाथरूम का और गैलरी का, तो ये भी अब जल्दी से फिनिश करते हैं। इसके बाद आप देखिए बिजली वाला फिटिंग का काम भी सारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारे डिम्पल जी फैन बॉक्स और कंसील्ड को सेट करते हो बिजली की फिटिंग के लिए,
और साथ में प्लम्बर भी है, उस पाइप को खड़ा किया जाएगा। उसके बाद अगले दिन का आप देख सकते हो सरिया बंधाई का काम भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, अब सेटरिंग होगी, सरिया बंधाई होगी, बिजली फिटिंग होगी और पाइप भी खड़ा हो गया ताकि छत का पानी सीधा नीचे जाए। आप देख सकते हो कंप्लीट। तो अगले दिन आप देख सकते हो मशीन लग चुकी है फिलहाल के लिए, अपना काम सारा प्रोसेस पे सही चल रहा है बढ़िया तरह से। ये अब मसाला बना रहे हैं, तो अब ये देखते हैं ये आएगी अब ऊपर, पानी वाला टैंक पे सब कुछ आया हुआ है। ये आ गई मशीन, अब आप देख सकते हो फर्स्ट फ्लोर से आपके लिए रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ। अब ये जाएगी सीधा ऊपर, ये करेगी ऊपर मंजिल पर इसको खाली। आप बने रहे मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये हो गई खाली, आप देख सकते हो इस तरीके से नीचे से सामान ऊपर लाया जाता है। उसके बाद इसको आगे खींच के यहाँ पे इसको डाल दिया जाता है। अब इसको सारी छत के ऊपर बिछा दिया जाएगा, जिससे हे गाइस, तो फाइनली सेकंड मंजिल का लेंटर लग चुका है। आप देख सकते हो मेरे पीछे लेंटर लग गया और जितना भी बचा हुआ माल था वो सारा ऊपर चढ़ा दिया। क्रेशर और बजरी, इसके ऊपर जो मोंटी बनेगी वो उसमें काम आ जाएगा। और बाद में जो बाउंड्री लगाएंगे 15 दिन के बाद लेंटर खुलने के, तो उसमें काम आ जाएगा। आप देख सकते हो और आसपास ऑलमोस्ट एक दो ही घर पाएंगे जो हमारे से ऊंचे हैं, जिनकी छत बाकी सभी से ऊंचे होंगे। अब इस पर 15 दिन मतलब 10 से 1 दिन के आसपास इसके ऊपर पानी तिराना, पूरा पानी का भरे रहेगा अब ये। और ये पैड़ी अभी कंप्लीट होगी, 4 से 5 जो बची हुई थी, बाकी बैक कैमरे से मैं आपको दिखा। ये एक मंजिल हमने मतलब एक चुबारा पहले बना दिया था, उसके बाद एक कमरा, गैलरी, रसोई हो जाएगा, ये जाल हो गया, आगे बाथरूम हो जाएगा, आगे थोड़ी सी गैलरी बाहर का व्यू देखने के लिए गली मोहल्ले का। ये आप देख सकते हो कंप्लीट। ये ऊपर यहाँ पे मोंटी जाएगी ताकि बारिश का पानी नीचे तक ना जाए, इस वजह से ये सेकंड मंजिल का पानी तार मतलब उसका पानी तारने के लिए खड़ा कर रखा है। और ये लाइट के लिए पाइप है, बाकी आप देख सकते हो सब कुछ फाइनली बना दिया पूरा 2 मंजिल। तो फाइनली हमारा पूरा घर 2 मंजिल तक बन के कम्प्लीट हो चुका है। फर्स्ट मंजिल हमने ऑलमोस्ट कम्प्लीट कर दी है, जितनी भी हमारी अभी की ज़रूरत के लिए जो सामान था, जैसे लाइट, पानी, रसोई का हो गया और टाइल से होगी, बाकी पेंट अभी बाकी है, लिपाई हो चुकी है। लेकिन सेकंड मंजिल पे अभी तक कुछ नहीं हुआ है, वो अभी हम धीरे धीरे बाकी आने वाले टाइम में करते रहेंगे। तो अभी मैं आपको पूरे अपने घर का व्यू दिखाता हूँ स्टार्ट फ्रंट से लेके। तो चलिए अंदर, जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पे बाइक वाइक खड़ी होने के लिए हो जाएगी, वहाँ पे मोटर आ जाएगी अपनी, ये वॉशरूम हो गया और यहाँ पे अपना हैंड वॉश के लिए हो जाएगा, ये विंडो, ये डोर। अंदर जैसे ही एंटर करते हैं तो ओपन कर दिया इस बार हमने रसोई अपनी, आप देख सकते हो बर्तन मांजने के लिए व खाना बनाने के लिए यहाँ पे अपने सारे जो भी मसाले, चून वगैरह वगैरह, सिलेंडर सब कुछ आ जाएंगे। इसी के अटैच में एक हमारा ये कमरा है जो आप देख सकते हो, पूरा कंप्लीट एक सेटअप बन जाएगा। यहाँ पे LCD आ जाएगी, यहाँ पे बेड और ऊपर तो पंखा है ही और लाइटें हैं। यहाँ पर भी एक LCD का पॉइंट बना दिया हमने, यहाँ पे भी हैंड वॉश आ जाएगा, वॉश बेसिन, ठीक है। यहाँ पे सोफे अपने लग जाएंगे। उसके बाद ये एक मेन कमरा हो गया, ये आप देख सकते हो ये एक मेन कमरा हो जाएगा। अभी तो सामान सारा बिखरा पड़ा है, ये जो टाइलें बची हुई है ये ऊपर सेकंड मंजिल पे लगाई जाएगी। यहाँ पे LCD आ जाएगी अपने पास। उसके बाद ये स्टोर, ये ऊपर टांड आ जाएगी, ये स्टोर हो जाएगा कपड़े रखने के लिए, मंदिर भी यहीं पर मोस्टली सब कुछ। तो इसके बाद चलिए चलते हैं हम ऊपर की तरफ। तो जैसे ही फर्स्ट मंजिल की
ऊपर बढ़ते हैं अपन, तो यहाँ पे जितनी ये स्पेस दिख रहा है यहाँ पे अपना शीशा आ जाएगा, और इसके आसपास इसके जो साइड में ये यहाँ पे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वो लगाए दी जाएगी, शीशे बोल लो या फिर वो ग्रिल बोल लो। यहाँ पे हमारा छोटी सी हमने स्टोर बना दी यहाँ पे बैटरी रखने के लिए, और ये पहुँच गए हम फर्स्ट मंजिल पे। ठीक है, तो सेम पोजिशन भैया, यहाँ पे रसोई का सेटअप हो जाएगा, वो वॉशरूम रहा, ये अपना वॉशरूम, और यहाँ पे ये गैलरी, यहाँ से बाहर का व्यू देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी रसोई थी, यहाँ पे पूरा चौक, यहाँ पे LCD का पॉइंट आ जाएगा, सेम जो नीचे है प्रोसेस वही है। ये कमरा हो गया, अभी देखो 2 दिन हुए लेंटर लगे हुए, अभी सारी बल्लियाँ ऐसे 15 दिन के बाद खुलेगा। और ये एक कमरा हमने पहले ही तैयार कर दिया था फर्स्ट फ्लोर के साथ साथ ही, ये आप देख सकते हो इसमें टाइलें सारी कुछ लगा दिए, कंप्लीट कर रखा है। यहाँ पे LCD आ जाएगी, यहाँ पे बेड वैसे ही सारा सेटअप हो जाएगा, अभी सामान सारा ऐसे बिखरा पड़ा है, जब शिफ्ट होएंगे यहाँ पे तो इसको करेंगे सेटअप। तो ये अब चल रही है दूसरी मंजिल, ये जेड पैडी बनाई थी सेम नीचे की तरह, पहले ये वाला सारा पोर्शन टेम्परेली बनाना पड़ता है नीचे का, उसके बाद फिर सरिया बांध के दोबारा होता है, मतलब उसके बाद ये फिर मसाला चढ़ाया जाता है। यहाँ पे भी एक जंगल आ जाएगा, ये एक डोर आ जाएगा, ये एक जंगल आ रहा, और उसके बाद ये आप देख सकते हो सेकंड छज्जा सेकंड मंजिल पे पहुँच गया। उसके बाद ये 5 पैड़ी अलग से बन गई, और छत पे फाइनली हम पहुँच गए। तो जितना भी लेंटर लगाने के बाद जितना भी माल बचा था वो सारा ऊपर चढ़ा दिया, टंकी हमारी 1000 लीटर की पानी है जिसमें, और ये हमारा जाल हो जाएगा सेकंड मंजिल का। ये पाइप अभी और ऊपर जाएगी, यहाँ पे मोंटी बनाई जाएगी जिससे बारिश का पानी नीचे ना जाए, और आसपास का आप देख सकते हो व्यू। ये स्कूल रहा हमारा पास में, ये गुरुद्वारा, और एक स्कूल आगे, और किला सामने। देखिए हमारा जो सेकंड घर है वो लाल झंडा घर आप देख रहे हो, तो उसके बिल्कुल बैक साइड में है जहाँ पर अभी हम रह रहे हैं, तो ज़्यादा दूर नहीं है, वो भी बस थोड़ी गली पीछे ही है। तो हे गाइस, तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ, जो मैंने अपना पूरा घर का व्यू आपको दिखाया। तो आई होप आपको मेरे कंप्लीट स्टार्टिंग से लेके घर तोड़ने से लेके दोबारा घर खड़े करने तक जो भी हमारी मेहनत लगी है, जितनी हमने वीडियो में सारा कुछ बता दिया, मोस्टली वीडियो तो छोटी छोटी बनाई है लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा लगी है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते जल्दी ऐसी नेक्स्ट।